घर में बीच में गेट लगा हुआ है, इधर की साइड में लैटरिन बाथरूम की जगह छोड़ रखी है। थोड़ा सा ऊपर चढ़ते हैं एक दो पैड़ियाँ, सामने की तरफ दो कमरे दिखते हैं, एक कमरा इधर है, एक कमरा इधर है, दो कमरे इधर है, दो कमरे सामने। लैटरिन बाथरूम के थोड़ा सा आगे चलते तो जीना जा रखा है, ऊपर भी मकान बना हुआ है। ये घर किसका है? घर है किसी का, अंदर एंट्री लेते के साथ ही इधर लैटरिन बाथरूम की जगह है, उसके साइड में से जीना जा रखा है, सामने की तरफ दो कमरे बनते हैं, इधर रसोई सी दिखती है, दो कमरे इधर की साइड दिखते हैं। बड़ा घर है, किसका घर है? देखो ऊपर भी बना भाई, हुआ है, ये डुप्लेक्स टाइप का मकान है भाई, मतलब दो पीछे मंजिला दो वाला। कमरे बन रखे हैं, दो कमरे साथ में लंबाई में ऐसे करके, इधर रसोई सी है कोने में, अंदर घुसते के साथ ही लैटरिन बाथरूम, उसके साथ में जीना जा रखा है, ऊपर की साइड भी दो तीन कमरे दिखते हैं। बड़ा मकान है, इकट्ठा परिवार रहता है। हाँ, ऊपर भी बना हुआ है, किसका है ये? उनका है जी, जॉइंट फैमिली। तेज बोलो थोड़ा सा, जोर से बोलो। किसका है भाई? तुम्हारा घर है ना? गुरुजी, घर में किसी साधु संत की पूजा भी दिखती है, पर घर में इनके ओपरे पराए की दिक्कत थी, इसमें से दो प्रेत थे, एक प्रेत पहला आ चुका था, एक प्रेत अब किसका हुआ आ रहा है। घर में किसी साधु की पूजा दिखती है, घर में किसी साधु संत की, जिसे बोलते हैं महात्मा की, जोगी की, नाथ की। करते हो? पहले करते थे गुरु की पूजा? संत है गुरु जी कोई? अरे कोई संत है? हाँ तो बात एक ही हो गई ना जी, संतों की पूजा हुई है ना जी आपके घर में? तो वही तो बोलो, संत की कोई पूजा है? बोलो शनिदेव महाराज की।